आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। यूपी के मऊ जनपद में नगर के नसोपुर स्थित अमृत पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी ने वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का उद्घाटन करके शुभारंभ किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगिताएं हो रही हैं और बच्चों को पुरस्कृत भी कर रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष। आपको बता दें इस दौरान वॉलीबॉल प्रतियोगिता, बैडमिंटन, रस्साकसी, खो खो, कबड्डी, दौड़ की प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें बच्चों ने काफी अच्छी तरीके से प्रतिभाग किया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य माया सिंह ने बताया कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद काफी आवश्यक है, ऐसे में विद्यालय में समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के शारीरिक विकास के लिए और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए खेल प्रतियोगिताएं निरंतर कराई जाती है। इसी क्रम में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिताएं 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को होनी है, हो भी रही है, और आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद के शहर के नसोपुर स्थित अमृत पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और उसमें आप देख सकते हैं जो प्रतियोगिता हो रही है, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में जो वॉलीबॉल प्रतियोगिता हो रही है और उसमें बच्चे काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से मैं दूसरे जगह ले चलूं तो यहाँ पे लड़कियों का जो खो खो प्रतियोगिता हो रहा है वहां पे आपको ले चल सकते हैं।
बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप देखेंगे तब अखबार में कितना तो आज इसका शुभारंभ हुआ है, कब तक चलेगा ये? कल तक चलेगा। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? लगभग स्कूल हमारा इसमें 1200 संख्या यहाँ पर इस विद्यालय पे है। और कौन कौन से गेम हो रहे हैं इसमें, कौन कौन से गेम हो रहे हैं इसमें? पूरे गेम जैसे रेस तो विभिन्न प्रकार की रेस है, जैसे 50 मीटर रेस, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर रेस भी है बच्चों की। इसका आयोजन का उद्देश्य आपका क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों की एकेडमी के साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और खेल कूद से जैसा सब जानते हैं बच्चों का बॉडी फिटनेस होता है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रकार के गेम होते हैं हम लोग बच्चों को उसको पूरे साल खिलाते रहते हैं, और इसमें बच्चों को परफॉर्म करने का एक अवसर मिलता है जो अपनी प्रतिभा को दिखा पाते हैं, और उनके लिए हम लोग अच्छे अच्छे चीफ गेस्ट बुला करके, चाहे चेयरमैन हुए, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हुए, उन लोग को बुला करके बच्चों के लिए प्राइजेस जो है दिलवाते हैं। और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभिभावक मानते हैं केवल पढ़ाई जरूरी है, उसको खेल भी जरूरी है, तो किस तरह? सर आज तो आप देख रहे हैं कि ओलंपिक
में भी बच्चे जाकर कितना नाम कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं, अपने परिवार और अपने समाज के साथ देश का भी नाम कर रहे हैं। तो एकेडमिक के साथ अगर बच्चा किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को जो आगे बढ़ाना चाहता है तो क्षेत्र जो गेम है वो बहुत अच्छी एक एरिया मिली हुई है, जहाँ पर बच्चा अनेक प्रकार के गेम में जा करके और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है और विनर हो सकता है और नाम ले सकता है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे तैयार हैं और ये बच्चे अब रस्साकसी करेंगे और उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नौसोपुर स्कूल में हम मौजूद हैं और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते होंगे किस प्रकार से क्या नाम है आपका? सौरभ। क्या करने जा रहे हैं? रस्सी खींचने। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। किस क्लास में पढ़ते हैं? किस क्लास में है? नर्सरी में। आपका क्या नाम है? फ्रांसी। कैसा लग रहा है आपको? क्या करने जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? रस्सी हाथ में आपके, खींचेंगे इसको? तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको है? तो आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे हैं जो काफी एक्साइटेड हैं और ये रस्साकसी की प्रतियोगिता होने जा रही है। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। रेडी बोलेंगे, विशिल करेंगे, आप लोग खींचिएगा, ठीक है? मैम क्या हुआ? उधर एक मैम आगे चल रही है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।